इसी तरह से पांचवी चीज ये है कि एक आदमी दूसरों की मदद करे, दूसरों की मदद करने में उसको सुकून मिलता है, दिल नरम पड़ता है, उसके अंदर जज्बात उसके ठंडे होते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकलता है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहा मेरा दिल बहुत सख्त है, क्या करूं? आपने फरमाया इन अरदता अन यलीन कल्बुक, अगर तू चाहता है तेरा दिल नरम हो जाए, तेरे दिल में सुकून पैदा हो, तेरे दिल में नरमी पैदा हो, فَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ وَامْسَحْ بِرَأْسِ الْيَتِيمِ, तो तू एक काम कर, मिस्कीन गरीब आदमी को खाना खिला, यतीम बच्चा है उसके सर पे हाथ फेर। आदमी पत्थर का नहीं बना हुआ है, उसके अंदर इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, जब वो दूसरों पर एहसान करता है तो उसके अंदर एक किस्म की खुशी पैदा होती है, खुशी लेने में नहीं देने में भी होती है। एक आदमी इसको ट्राई करके देखे, और जितना कम आदमी के पास होता है देने में उतनी ज़्यादा खुशी उसको महसूस होती है। एक गरीब आदमी ही वाकई देने की लग्जरी जानता है। तो एक आदमी जब दूसरों के साथ में अच्छा सलूक करता है और उनके चेहरे पर मेरे जरिए से खुशी आई, क्या होगा? उसको गम होगा, रोना शुरू कर देगा, क्या तकलीफ की चीज़ देखी मैंने? नहीं, एक आदमी जब किसी और को खुश करता है तो नतीजे में वो खुद भी खुश होता है। ये दुनिया का कायदा अल्लाह ने बनाया इंसान को ऐसा है कि इत्र लगाने वाले के भी हाथ में खुशबू आती है। तो एक आदमी जब दूसरों को खुश करने के लिए कुछ करता है, उनके गम बांटता है, उस आदमी का गम भी हल्का हो जाता है। ये कायदा इंसानियत हमेशा से जानती रही है, इस्लाम ने भी इसको एक्नॉलेज किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अहब्बुन्नास इलल्लाह अनफअहुम लिन्नास, लोगों में सबसे प्यारे लोग अल्लाह के पास वो हैं जो लोगों के लिए फायदा मंद हों, जो लोगों का भला करने वाले, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। व अहब्बुल आमाल इलल्लाह सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिमिन औ तकशिफु अन्हु कुर्बह, और आमाल में, एक्टिविटीज में, डीड्स में, कामों में सबसे प्यारा काम अल्लाह के पास ये है कि तुम किसी मुसलमान को खुश कर दो। ये मुस्लिम सोसाइटी में कही हुई बात है, इसलिए मुस्लिम का जिक्र यहां पर आ रहा है। किसी इंसान को तुम खुश कर दो, ऐसा अमल करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे दूसरा खुश हो जाए, और तकशिफ अन्हु कुर्बा, या तुम किसी तकलीफ को उससे दूर कर दो, या तो कुछ उसके साथ में अच्छा करके उसको खुश करो, या उसकी तकलीफ दूर करके उसको खुश करो। अल्लाह को ये सबसे ज्यादा पसंद है। तो एक आदमी जब दूसरों को खुश करता है तो खुशी उसकी तरफ भी आती है, दूसरों को खुश करने वाला खुद भी खुश रहता है।